नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की पहली और बड़ी खबर, देश का पहला डिजिटल खिलाड़ी पोर्टल झारखंड में लॉन्च। खिलाड़ियों की समस्या के समाधान में बनेगा मददगार। बजरे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को खेल की नर्सरी बनाने के लक्ष्य के साथ खेल और खिलाड़ियों को संपूर्ण विकास के लिए जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत की है। इसके तहत झारखंड स्पोर्ट्स डिजिटलाइजेशन सोच के साथ यह पहला ऐसा पोर्टल देश में रखा जा गया है जो राज्य के प्रतिभाशाली और मेहनती खिलाड़ियों के हुनर को और तराशने का प्रयास करेगा। रांची के IIT के में असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉन्ट्रैक्ट पर होगी नियुक्ति, 70,000 रुपये तक होगा वेतन। बजरे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IIT में भी अनुबंध पर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति की जाएंगे। चयनित अभ्यर्थी को प्रतिमाह 70,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। आरंभ में इन्हें अस्थायी तौर पर एक सेमेस्टर के लिए रखा जाएगा। सिमडेगा की 13 साल की बच्ची को बंधक बनाकर हरियाणा में कराया जा रहा था काम, हेमंत सोरेन बोले कार्रवाई करें। जी हाँ, तो झारखंड के सिमडेगा जिला की एक नाबालिग बच्ची को हरियाणा से मुक्त कराया गया है। गुरुग्राम में उसे अमानवीय तरीके से काम कराया जा रहा था। 13 साल की इस बच्ची को एक दंपति ने बंधक बनाकर रखा था और उससे अमानवीय व्यवहार हो रहा था। मंगलवार को बच्ची को मुक्त करवा लिया गया है। उसे अब उसके परिवार से मिलाने की व्यवस्था की जा रही है। सूचना मिलने के बाद सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ने दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश पुलिस को दिया है। पूजा सिंगर पर आरोप गठन मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। 16 फरवरी को फिर होगी सुनवाई। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना घोटाला मामले में फंसी झारखंड की निलंबित भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी पूजा सिंगर पर आरोप गठन मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को पूरी हो गई। रांची स्थित PMLM कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। विशेष जज ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 16 फरवरी तय कर दी गई है। उसी दिन आरोप गठन पर फैसला आने की उम्मीद है। दूसरी ओर झारखंड बजट सत्र में से पहले कल हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक होंगे कई अहम फैसले। जी हां, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की बैठक कैबिनेट की बृहस्पतिवार को बैठक होनी है। इसमें कई अहम फैसले पर चर्चा होगी। झारखंड 27 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बजट सत्र 23 और 24 अगले महीने 24 मार्च तक चलेगा। हेमंत सोरेन की सरकार 3 मार्च 2023 को अपना बजट पेश करेगी। झारखंड के संयुक्त गतिशील प्रगठबंधन सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा। अगले सात सरकार सदन में वोट ऑन अकाउंट पेश करेगी। तो वही दूसरी ओर अनुबंध कर्मियों की पुकार कब सुनेगी सरकार। अनुबंध कर्मी लगातार 23 दिनों से धरना। तो अनुबंध कर्मियों की कब सुनेगी पुकार सरकार। अनुबंध कर्मी लगातार 23 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। वहीं कुछ अनुबंध कर्मी पिछले 16 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं। उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। किसी का इलाज रिम्स में तो कोई सदर अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा है। अब तक कोई भी सरकार का प्रतिनिधिमंडल इनसे बात करने नहीं आया है। ऐसे में अब भी प्रदर्शनकारियों की उम्मीद है कि उनकी मांगें पूरी की जाएंगी। तो रांची के मोरहाबादी मैदान में 5 मार्च को आदिवासी बचाओ महारैली होगा और तेज हुआ जनसंपर्क अभियान। झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 5 मार्च को आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है। महारैली को सफल बनाने के लिए अभी से जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया है। इस निर्मित आदिवासी समन्वय समिति के बयान तले दुमकुड़िया सभागार कर्मटोली के विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में महारैली की तैयारी पर चर्चा हुई है। तो यहाँ बात कर ले मौसम विभाग को लेकर के, तो यहाँ बढ़ने लगा है तापमान। 2 दिन में रांची का पारा 4.4 डिग्री चढ़ा। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झारखंड में लगातार बढ़ने लगा है पछुआ हवाओं की वजह से सुबह सुबह शाम थोड़ी ठंडी लग रही है। न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने लगी है। 2 दिन में राज्य का पारा 4.4 डिग्री चढ़ गया है। इसकी वजह से दिन में लोगों को धूप की गर्मी अब अच्छी नहीं लग रही है। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रखा गया है जबकि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से पहुँच गया है। यह सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। अधिकतम तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री अधिक है।
तो वहीं दूसरी ओर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पत्नी से माथा टेके सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में पत्नी से माथा टेका। इस दौरान राज्यवासियों की सुख शांति, समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना की। तो वहीं एक बड़ी खबर है गढ़वा से। गढ़वा में छात्रा के साथ अश्लील बात करने के मामले में दो टीचर होंगे बर्खास्त। डीएससी ने कार्रवाई का दिया निर्देश। गढ़वा के खंदौरी प्रखंड क्षेत्र की 9वीं की छात्र के साथ अश्लील ऑडियो वायरल होने के बाद दो आरोपी सहायक शिक्षक बर्खास्त होंगे। दोनों शिक्षक के खिलाफ पास्को एक्ट सहित अन्य धाराएं लगाए हुए मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में डीसी के निर्देश पर जिला शिक्षा अधीक्षक मिथिलेश क्रिकेटा ने दोनों सहायक शिक्षक को बर्खास्त करने का निर्देश प्रखंड शिक्षा प्रसार प्राधिकारी को दे दिया है। वहीं दूसरी ओर गुमला में अफीम की खेती के खिलाफ जिला प्रशासन का बड़ा अभियान। 18 होमगार्ड जवान ड्रोन से रखेंगे विशेष नज़र। पहले की नार्को ऑर्डिनेशनल सेंटर की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक बुधवार को गुमला डीसी सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिले में नशीले पदार्थ के उत्पादन एवं बिक्री की रोकथाम पर विचार विमर्श किया गया। डीसी ने जिले में अफीम की खेती की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन की टीम को आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया। कहा कि कुछ दिनों पूर्व ही जंगल के बीच अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया गया। प्रयास करें कि जिले में कहीं भी अफीम की खेती नहीं न हो। तो ऐसे एक बड़ी खबर की आ रही है, झारखंड के कई जिलों में बगैर अनुमति जुलूस निकालने पर होगी कार्रवाई। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर भी रोक लगाई गई है। पलामू में अब बिना अनुमति के जुलूस निकालने और धरना प्रदर्शन करने वालों की अब खैर नहीं। जिला प्रशासन ऐसा करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को ठानी है। किसी भी तरह का जुलूस निकालने एवं धंधा प्रदर्शन करने वालों के साथ डीजे बजाने के लिए तय नियम एवं शर्तों पर कानूनपालन करने कराना भी सुनिश्चित करना होगा। डीसी आज न्यू उल्लू तोड़े इस मामले को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने सदर अनुबंधक पदाधिकारी को बगैर अनुमति के जुलूस निकालने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी ओर रामगढ़ में कोयला व्यवसायी पर गोली चलाने के मामले में 4 नक्सली गिरफ्तार। रामगढ़ के कोयला व्यवसायी गजानन प्रसाद पर भुगुंडा में गोली चलाने के मामले में पुलिस ने नक्सली संगठन टीपीसी के 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 2,80,000 नकद समेत बाइक, देसी पिस्टल, 1 कट्टा, 3 राउंड गोली और मोबाइल जब्त किया है। गिरफ्तार नक्सलियों ने इससे पहले एक अन्य कोयला व्यवसायी नेपाल यादव पर फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया था। इस बात की जानकारी एसपी पीयूष पांडे ने पत्रकारों से बात करते हुए दी। तो वहीं झरिया से हटाए जाएंगे 1,04,996 लोग। विस्थापितों को भूमि अधिग्रहण कानून के तहत दिया जाएगा मुआवजा। झारखंड के धनबाद जिला में स्थित झरिया के 15,425 परिवारों को हटाया जाएगा। विस्थापित होने वाले परिवारों को भूमि अधिग्रहण कानून 13 के तहत मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में झरिया मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। फिलहाल इस खबर दोस्तों बस इतना ही है। कुछ आज की तमाम बड़ी खबर जो कि झारखंड से आ रही थी मॉर्निंग समाचार के साथ। तो हमें उम्मीद है खबर पसंद खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पहली बार आया है चैनल सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर लीजिएगा। जाना ही आपके लिए मैं ऐसी खबर लेकर के आते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ। बने रहे JD मीडिया। तो जय हिंद, वंदे मातरम।